इस झूले को बच्चे भारत में सदियों से बनाते आए हैं। इसके लिए नीम की निमोनिया बबूल के कांटे और रबर के टुकड़े की ज़रूरत है। एक बबूल के पेड़ की ही टहनी लें और इसे रबर पर सीधा खड़ा कर दें और इसके बिल्कुल ऊपर बबूल का कांटा खड़ा कर दें। इसके बाद में एक कांटा लें और इसके दोनों सिरों में एक-एक निम्बोली को फंसा दें और इस कांटे को लेकर ऊपर वाले कांटे पर टिकाएं। वो तवाजुन संभालेगा और आप इसे गोल गोल झूला सकते हैं इस तरह कि कई असेंबलियां बनाएं। अब दोनों इस तरह के कांटे लें और इन्हें पहले वाले कांटे पर इस तरह रखें कि वो तवाजुन संभालते रहें। अब बाएं तरफ इसी तरह दो कांटे रखें और दाएं तरफ भी दो कांटे रखें। इससे ये पूरा का पूरा निज़ाम तवाजुन संभालेगा। अब आपका झूला तैयार है। कोई एक लकड़ी ले या स्ट्रॉ ले और इससे ऊपर वाले कांटे को गोल गोल घुमाएं और ये झूला बिल्कुल गोल गोल झूलते हुए नजर आएगा। ये एक ऐसा खिलौना है जिसे भारत में बच्चे सदियों से बनाते आए हैं। इसमें कोई लागत नहीं लगती, किसी चीज़ को खरीदना नहीं पड़ता, तमाम चीज़ें कुदरत से हासिल होती हैं और बच्चों को खेलने के बाद भी कुदरत में ही चली जाती है। बहुत ही आसान और बहुत ही प्यारा खिलौना है।